जाती है, लेकिन वो राजा का बेटा था, उसने दूसरा विवाह कर लिया, संतति हुई, लेकिन उस दूसरी पत्नी के बेटों ने उसको निकाल दिया। फटे चिथे कपड़े पहन करके उसी मंदिर के सामने भीख मांगने बैठा है, जिस मंदिर में उसकी पहली विवाहिता पत्नी सेवा करती है। और जब वो बाहर निकलती है भिखारियों को प्रसादी देने के लिए, तो देखा कि ये तो हमारा वही पति है। पति ने भी अपनी ढाई हाथ की धवल दाढ़ी को हटा करके, पलकों को हटा कर, केसों को हटा करके, बिखरे हुए केसों को, और देख लिया और पहचान लिया। पत्नी ने कहा, पहचानते हो महाराज? पति ने कहा, पहचान गए, आप हमारी पत्नी हो। बोले, ठीक पहचाना महाराज, लेकिन हमने उस दिन आपको पहचान लिया था जिस दिन हम आपके घर में गए थे बहू बन करके, कि आप अपने माता पिता के नहीं हो, तो जो संतान माता पिता की नहीं है वो दुनिया में किसी की नहीं है, उस पर विश्वास मत कर लेना, और जो संतान अपने माता पिता की है उस पर अडग विश्वास कर लेना। तो पत्नी ने कहा, महाराज मुझे मालूम पड़ गया था कि जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हो तो पत्नी पुत्र के क्या हो, इसलिए हमने तुम्हें त्याग दिया था, और हम जानते थे कि तुम्हारी आगे आने वाले समय में क्या दुर्दशा होगी। तो सच्चा विश्वास उसी पर रखना जो अपने माता पिता का है, और माता पिता का नहीं है वो दुनिया में कभी किसी का नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आज कंस ने तलवार खींच ली है और वसुदेव देवकी को मौत के घाट उतारना चाहता है, लेकिन विचार बदल गए, क्योंकि भगवान की माँ है और माँ के सामने यदि पापी पहुंचता है तो विचार बदल गए, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल दी है, और आज अक्रूर से कहा कि जाओ मथुरा चले जाओ। अक्रूर, ओ पिताम रात्रि मधुपुरी आम महेंद्रता, मथुरा में, मथुरा से गोकुल चले जाओ, और गोकुल में कृष्ण और बलराम पल रहे हैं, उनको लेकर के आ जाओ, क्योंकि उनके द्वारा हमारी मौत बतलाई जाती है। लेकिन उनको सार नहीं बताना है, सार क्या है, वो यदि मथुरा में प्रवेश करेंगे तो फिर हम कुबलिया भीड़ नाम के हाथी को दरवाजे पर खड़ा किए रहेंगे, और वह अपने पैरों से कुचल करके उनका कचूमर निकाल देगा। उससे यदि वो बच जाएंगे, अखाड़े में प्रवेश करेंगे, मुष्टिक चारूण कूट सलो कौशल, ये वज्राघात पहलवान है, इनके घूसे से उनका कचूमर निकल जाएगा, और इन सबसे बच गया यदि तो उग्रसेन का बेटा कंस क्या कम बलशाली है, जिसने 7 वर्ष की उम्र में हाथी के पैरों को पकड़ करके फेंक दिया था, तो कई योजन दूर जाकर के गिरा था, तो वो आज कंस इस माथुर मंडल का राजा है, फिर राजा से नहीं बच पाएगा, यदि सबसे बच जाएगा तो लेकर ले करके आओ, और उनसे केवल यही कहना कि तुम्हारा मामा इस चतुर्दशी को एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है, इसलिए यज्ञ देखने के लिए, यज्ञ की सुंदरता निहारने के लिए चलिए, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। नंद बाबा आदि से भी कहना तो वो भी अनेकों भेंटे लेकर के आज मथुरा में आएंगे। अक्रूर ने मन में कहा कि ठीक है भगवान, तेरी जो इच्छा, हम समझ गए कि मौत को ये खुद बुला रहा है, मौत के पास जा नहीं रहा, मौत को अपने पास बुला रहा है। अक्रूर ने कहा, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। अक्रूर प्रातः काल रथ को तैयार करते हैं और चल पड़े हैं मथुरा से गोकुल की ओर, लेकिन विचार करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि जो आज कृष्ण बलराम मेरे रथ पर विराजेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे धोखा बता दे कि हमारे शत्रु का मंत्री है, इसलिए इसके रथ पर हम नहीं बैठेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते वो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि शरण में विभीषण पहुंच गया था, और यद्यपि जिस समय दशग्रीव रावण ने पद प्रहार किया, पांव की ठोकड़ मारी है, उसी समय कैकसी से जाकर के कहा है, माँ आज भैया ने मुझे पैर की ठोकड़ मारी है, तू पड़ा क्यों है यहाँ, जिससे तेरा नेह है और जिससे तेरा प्रेम है उसी के पास क्यों नहीं जाता, तू यहाँ लाते खा रहा है,
क्यों पड़ा है। इस सरवा से जाकर के कहा, पिताजी भैया ने आज मेरे ऊपर पैर के बार पर बार किए हैं, बताओ क्या करें। बोले चले जाओ जहां बहुत पहले जाना चाहिए, ऊंची मंजिल का पता पाया जाता नहीं, और जहां वो है वहां तुझसे जाया जाता नहीं, क्या चला जा वहां जहां तेरा लेह लगा हुआ है। तो आयु हीन हो गया है रावण, जब विभीषण ने लंका त्याग दी थी तो लेह होता है। अक्रूर कहते हैं मुझे विश्वास है कि वो नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसे बैरी रावण के भाई को भी हृदय से लगा करके और आज देखा जाए तो लंका का राज सौंप दिया गया था, तो वो शरण में आए हुए को त्याग नहीं सकते हैं। वो हमें अपनाएंगे, हमारे हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चाचा चलो अंदर, और अंदर ले जाएंगे, भोजन कराएंगे, पूछेंगे चाचा बहुत दिनों के बाद आए हो। तो इस बात रहस्य में केवल यही छुपा है, भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान के पास कोई स्टॉक नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, भगवान के पास आप जितनी आस्था जितनी श्रद्धा जितना प्रेम लगाओगे उतना भगवान से ले सकते हो। भगवान के पास में कुछ नहीं, सब आपके ही पास में, जितनी आस्था बना लोगे उतना आप पालोगे। तो अक्रूर ने विचार बनाए और जब पहुंच है गोकुल में तो जो जो कल्पना की थी वो इन्होंने पाया। बहुत धूली मुहूर्त था, गाय जंगल से आ रही थी, उनके पीछे सांड होते हुए चल रहे थे, और आज गाय रवा करके दौड़ करके जा रही है, क्यों दूध मुहे बछड़े बने हुए हैं। और याद रखना 50 ग्राम हमें कम रह जाए रह जाने देना, लेकिन गाय का पूरा दुग्ध दोहन कभी भूल करके मत करना। प्रमाण चाहिए, पतई घाट से ऊपर बरवान में बड़े बूढ़े जानते होंगे, गए होंगे आप लोग, कोई दूर थोड़ी, सोकलपुर घाट है। और सोकलपुर घाट नाम क्यों पड़ा है, एक ग्वाले ने बछड़े को क्यों मारा, 50 ग्राम दुग्ध के लिए खूंटी से बांध दिया, गाय का दोहन करने लगा, बछड़ा था और माँ के प्रेम में, क्योंकि आहार निद्रा भय संतम सामान्य में पशुभिर समानम ज्ञानम हितेशम मधुकम विशिष्टो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। आहार विहार को पशु भी जानते हैं, हित अनहित तो पशु भी जानते हैं। तो आज बछड़ा समझ रहा था कि मेरी माँ है और मुझे दुग्ध से वंचित कर दिया, तो ताकत लगाई, खूंटी से निकल गया बछड़ा और अपनी मां का दुख पीने लगा। तो उसके पात्र में से 50 ग्राम दूध झलक करके नीचे गिर गया। इसने बछड़े को बांध करके बहुत छड़ी मारी, बहुत मारा बछड़े को, बहुत मारा, और मारते मारते गाय को दोहा, तो गाय का इसने जिसने लहू का फिल्टर करके दुग्ध बनाया था, एक बिंदु भी उस बछड़े को दुग्ध नहीं छोड़ा, और बछड़े को खोला, और जैसे ही बछड़ा दुग्ध पान करने लगा, बछड़े की माँ गाय ने कहा कि बेटा आज इस कसाई ने तेरे ऊपर बार पर बार किए, लेकिन हम बंधन में हैं, इसलिए हम तेरी रक्षा नहीं कर सके, तेरी सहायता नहीं कर सके। और दूसरे नंबर देखा जाए तो त्रिलोकी में इससे बड़ा कोई पापी नहीं होगा कि जिसने एक चम्मच भी दुग्ध नहीं छोड़ा है। बेटा तेरे लिए मेरे पास वो स्टाफ तो नहीं होता कि मैं तृप्त कर दूं, लेकिन ऐसे पापी को जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है बेटा, हम इसका वध करेंगे। बछड़े ने कहा, माँ प्रकृति का इतिहास दूषित हो जाएगा और तुम्हें पाप लग जाएगा, दुनिया के लोग गाय को कहेंगे कि हत्यारी है। गाय ने कहा, बेटा नहीं, हमें हत्या नहीं लगेगी, हम प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन उसको दंड तो देंगे जिसने आपके साथ में अन्याय किया है। गाय के निकट जब उस बछड़े को पकड़ने के लिए आया, उस विकट परिस्थिति का वर्णन नहीं किया जाता है। गाय ने